software. You know how computer system hardware and software दो अलग अलग पार्ट होते हैं जिनसे मिलकर बनता है. Without hardware कोई कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है and without software भी कोई कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है. Then what is hardware? All the physical parts of computer that we can touch, feel and see are called hardware. कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं आप टच फील एंड देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं हार्डवेयर. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज सॉफ्टवेयर. जस्ट अपोजिट राइट. आप कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर मीन जिसे आप देख नहीं सकते हैं टच नहीं कर सकते फील नहीं कर सकते इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर. नाउ इस एग्जांपल कंप्यूटर हार्डवेयर का एक पार्ट है स्पीकर. स्पीकर का यूज आप करते हैं क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर लाइक पार्ट है. लेकिन जब उसमें सॉन्ग आप प्ले करते हैं तो म्यूजिक सुनते हैं तो आपको कुछ सुनाई नहीं रहा है बट क्या उसे टच कर सकते हैं फील कर सकते हैं या देख सकते हैं? नो. तो ना एक ही कंप्यूटर में भी वर्क कर रहा है. कंप्यूटर के हार्डवेयर पास होते हैं जिन्हें आप टच कर सकते हो बट सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज सॉफ्टवेयर. अ सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर. प्रोग्राम के सेट को क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोग्राम. अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर नोन एज प्रोग्राम. जो इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है उसे क्या कहते हैं प्रोग्राम. सिस्टम जो आपका सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर में वो दो पार्ट में डिवाइड है. टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं. फर्स्ट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको कंप्यूटर को मैनेज करना कंट्रोल करना उसे जितने के हार्डवेयर पार्ट्स हैं उनको मैनेज करना उसके जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रन होती है उन्हें मैनेज करना ये सारे वर्क को करता है कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर का फर्स्ट जो टाइप है क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर. ये सारे वर्क जो कर रहे हैं वो कौन करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर. फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर के टू टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सेकेंड इज द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीन जो पर्टिकुलर किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अगर आपको कोई कैलकुलेशन वर्क करना है तब आप कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे कैलकुलेटर. अगर आपको कोई कंप्यूटर में पेंटिंग बनाना है तब आप क्या यूज करेंगे डस्ट पेंट और पेंट. तो एक स्पेशल आपको एक टास्क के लिए जिसे आपको परफॉर्म करने के लिए स्पेशल टाइप के सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है उन्हें क्या बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जो पर्टिकुलर किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज में आते हैं दिस कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो भी आपके टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज अ जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड इज अ स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. फर्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. It is the first program that gets loaded into computer memory when computer starts. Operating system जब आप computer on करते हैं तो सबसे first program के computer में start होता है वो कौन सा होता है operating system. Operating system का क्या काम होता है क्या functions होते हैं. It manages all activities. जितने भी activities होती है सबको manage करने का काम जो करता है operating system. It manages all hardware components and software, application software. जितने जो hardware components होते हैं उन्हें manage करना and जो application software होते हैं उन्हें भी run करने का work करता है operating system. It recognizes input devices. ये recognize करता है input devices को and it sends output as a output devices and जो result होता है send करना होता है output वो भी कहाँ से send करता है ये operating system ही बनाता है. ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर होते हैं रन करने के लिए भी फैसिलिटी क्या देता है ऑपरेटिंग सिस्टम. ओवरऑल ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो फर्स्ट पार्ट है टाइम है ऑपरेटिंग सिस्टम. यही कंप्यूटर में जितने भी वर्क्स होते हैं मैनेज करना टाइम शेयरिंग मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी टास्किंग ये जितने भी वर्क होते हैं सारे वर्क कंप्यूटर है ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड सेकेंड नंबर इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. इट परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू मैनेजिंग अ कंप्यूटर और डिवाइसेस. जितने भी कंप्यूटर पर होते हैं जो रिलेटेड टू कंप्यूटर वर्क लाइक रिकवर डेटा एंड क्लीन क्लीन डिस्क. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कुछ
जो डेटा होता है जो परमानेंट है स्टोर करते हो, बट अदरवाइज किसी भी एनी रीजन अगर उसका लॉस होता है तो वहाँ पर एक बैकअप का ऑप्शन होता है जिससे आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपका बैकअप ले लेता है, लेकिन उसकी एक सॉफ्ट कॉपी को क्रिएट करके रखता है। लेकिन अगर इसे किसी भी रीजन से डेटा डिलीट हो जाता है तो उसे रिकवर किया जा सकता है। Thank you.
मूवी मेकर एक्सेट्रा। मूवी मेकर क्या करता है, आपको कोई मूवी शॉर्ट मूवीज क्रिएट करनी है जिसमें आप अपना कुछ साउंड कलर डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ग्राफिक सॉफ्टवेयर मीन्स जो अगर आप लोगों ने प्रिंट देखे हो, कोई टेम्पलेट देखे हैं, मैप्स, ग्राफ्स, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनको भी आप मेक ग्राफ की जो भी चीज़ें आप देखते हैं इन्हें कैसे क्रिएट किया जाता है, तब वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो होता है ग्राफिक सॉफ्टवेयर। उसमें आता है पैन, फोटोशॉप, कोरलड्रॉ, जो उसकी एडिटिंग करना एंड उसको किस तरीके से उसके कलर्स रखना है, कैसे उसे शो करवाना है, ये सारे वर्क करता है। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर एंड स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।